उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश को लेकर विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति बताया है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का पूरा हक है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की आस्था की शुद्धता बनाए रखना है। इसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी फलों की दुकानों, भोजनालयों और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तराखंड ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कट्टरता और मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करने वाला बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है, सरकार शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। कांग्रेस की यूपी इकाई के प्रमुख अजय राय ने भी इस फैसले की निंदा की और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कुछ मुस्लिम दुकानदार हिंदू नामों की आड़ में तीर्थ यात्रियों को नॉनवेज खाद्य पदार्थ बेचते हैं। वे वैष्णो ढाबा, भंडार, शांकुंभरी देवी भोजनालय और शुद्ध भोजनालय जैसे नाम लिखते हैं और मांसाहारी भोजन बेचते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जिस क्षेत्र में आदेश पारित किया गया है वहां रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई समस्या नहीं है। यूपी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का इरादा किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि केवल शिव भक्तों को सुविधा प्रदान करना है। कांवड़ यात्रा सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रही है। इस आदेश और विवाद के बीच बाबा रामदेव ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और काम में शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। देखिए, जो हमारे देवस्थान है, जो हमारे बड़े तीर्थ है, उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। बाकी हमारे ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, इष्ट देवता भिन्न भिन्न है। 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के भी है, 33 करोड़ भी उसका अर्थ करता है। हमारे इष्ट, हमारे देवी देवता अनेक हैं और परात्पर ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। इस सब अनेकता में एकता का सूत्र हमने देखा है। हाँ, ये सत्य है कि अब कोई हरिद्वार धाम को नया बना दे कि हमने नया हरिद्वार बना दिया है, हमने नई काशी बना दी है, हमने नया मथुरा वृंदावन बना दिया है, तो जो भगवान के द्वारा बनाए हुए धाम है उनको कोई इंसान नहीं बना सकता। धामी सरकार ने जो चारों धामों का पेटेंट करने का जो निर्णय लिया है वह प्रशंसनीय है, यह अच्छी बात है।